सोचिए विप्र जो वेद विहीना, 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 तज निज धर्म विषय लब लीना, तज निज धर्म विषय सोचिए न पति जो नीत न जाना, 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 यही न प्रजा प्रिय आन समाना, यही न प्रजा प्रिय आन समाना, प्रजा प्रिय प्राण समान, प्रजा प्रिय प्राण समान, सोचनीय वो ब्राह्मण है जो ब्राह्मण होने के बाद त्रिकाल संध्या न करे, वैदिक परंपरा का अनुसरण न करे, वेद अध्ययन न करे, गायत्री का अनुष्ठान न करे, विषयों के सेवन में या विषय सेवन करने वालों का संग करने वालों के संग में जिसका जीवन है, ऐसा ब्राह्मण शोचनीय होता है। भागवत में लिखा है ब्राह्मण में 12 गुण होने चाहिए, विप्रा द्विसत गुण युता दरविंदनाभ, पादार बिंद विमुखा सपचं वरिष्ठम। ब्राह्मण कौन जिसमें 12 गुण हैं, शम दम तपह स्वाध्याय, अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा, प्रश्रय विद्या आत्मज्ञान अनुसूया। इन 12 गुणों से युक्त जिसका जीवन, वो ब्राह्मण वंदनीय होता है। ब्राह्मण को तम्बाकू खाना मना है, तम्बाकू तो कोई ना खाए लेकिन ब्राह्मण के लिए तो पाप है। बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, सुल्फा पीना, ये सब वर्जित है। ब्राह्मण सही देहोयम क्षुद्र कामाय निश्यते, ब्राह्मण का शरीर केवल खाने पीने सोने हंसने नाचने गाने को नहीं, कृष्णाय तपसे निज्यम प्रेत्या नंत सुखाय च, ब्राह्मण को ऐसा होना चाहिए। समाज को दिशा देना, समाज का पथ प्रदर्शक बनना, लोगों को धार्मिक ग्रंथों की अंदर की बातें सहज भाव से बताना, ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण सबका गुरु होता है। यदि इस पंथ पर, इस पथ पर ब्राह्मण नहीं चलता तो वो शोचनीय होता है। सोचिए न पति जो नीत न जाना, सोचिए न पति जो नीत न जाना, न प्रजा प्रिय प्राण समाना, प्रजा प्रिय प्राण समाना। क्षत्रिय का धर्म होता है कभी पाप न करे और कभी पाप होते हुए न देखे। क्षत्रिय राजा का धर्म है पाप करना जितना बड़ा पाप है, आंखों के सामने पाप होते देखना भी उतना ही बड़ा पाप है। अपने प्राणों की बाजी भी लगानी हो तो धर्म की रक्षा करे, स्वयं भूखा रहना पड़े पर अपनी प्रजा को भूखी सोने न दे, अपने बाहुबल से प्रजा का, अपनी राजधानी का, अपने राष्ट्र का जो संरक्षण करे वो क्षत्रिय वंदनीय होता है।
जहां ब्राह्मण विराजते हैं, जहां संत रहते हैं, हमारे जितने भी धार्मिक तीर्थ हैं, उन सबकी सुरक्षा रक्षा का संकल्प ले, ऐसा क्षत्रिय वंदनीय होता है। और यदि क्षत्रिय ऐसा नहीं करता है, जो अपनी प्रजा को प्राणों से ज्यादा प्रेम नहीं करता, राजा केवल पत्नी का पति नहीं है, केवल माँ का बेटा नहीं है, केवल मंत्री का राजा नहीं है, वो पूरी प्रजा का पिता है। और यदि प्रजा को वो ऐसे न माने तो वो वंदनीय नहीं होता, वो शोचनीय होता है। संतों के प्रति जिसकी आस्था हो, और इस कथा में तो बड़ा सुख मिल रहा है, गंगा द्वार हरिद्वार से बड़े बड़े महापुरुष नित्य ही दर्शन देने आ रहे हैं, और नित्य ही उनके उपदेशात मृत का हमें सब लाभ प्राप्त हो रहा है। आज कृपा पूर्वक पधारे महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, श्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन और प्रणाम। सोचिए बयसु कृपण धनवान, सोचिए बयसु कृपण धनवान, जोन अतिथि शिव भगति सुजान, सोचिए बयसु कृपण धनवान, भगति सुजान। वो वैश्य शोचनीय होता है। वैश्य समाज को हमारे शास्त्रों ने लक्ष्मी पुत्र कहा है। वैश्य समाज झगड़ालू नहीं होता, और जो झगड़ालू नहीं होते, लक्ष्मी को वहां आनंद मिलता रहने में। अरे इस घर में तो संतों की पूजा होती है, इस घर में तो ब्राह्मणों का सत्कार होता है, इस घर में तो भगवत पूजा होती है, संध्या होती है। माता लक्ष्मी कहती है मैं तो यहीं पर रहूंगी। सो लक्ष्मी माता आई, लक्ष्मी का छोटा भाई बाहर खड़ा है। दीदी अच्छा लग रहा है तुम्हें? बेटा बहुत अच्छा घर है। भैया यहां तो सबका आदर सबका सत्कार होता है, तू भी आ जा। लक्ष्मी के छोटे भाई का नाम है संतोष। सो संतोष भी आ गया। लक्ष्मी का एक और छोटा भाई है, बड़ा प्यारा। दीदी हम भी आए क्या? आओ, हमको तो इस घर में बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो घर छोड़ के अब जाने वाली नहीं हूं। तो लक्ष्मी जी के दूसरे छोटे भाई का नाम है वैभव। वैभव जी भी आ गए। वैभव आए तो माता लक्ष्मी की एक और छोटी बहन है। अरे तुम लोग सब कहां चले गए? बोले इस वैश्य परिवार में हम रह रहे हैं, बड़ी शांति है इस घर में, आ जा। लक्ष्मी की छोटी बहन है शांति, वो भी उसी घर में आ गई। अब लक्ष्मी जी के एक बड़े भैया हैं, बड़े तगड़े लंबे। अरे भाई तुम लोग सब कहां चले गए? लक्ष्मी बोली भैया तुम भी इधर ही आ जाओ, इस घर में बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई झगड़ा नहीं, कोई विषमता नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, शांति भी यही है। तो सबसे बड़े भैया का नाम है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य भी अपनी फैमिली के सहित तो उसी घर में आ गए। आहा, फिर तो तितिक्षा क्या, प्रश्रय क्या, आत्मज्ञान क्या, त्याग क्या, पूरा परिवार आ गया। अब लक्ष्मी जी की एक बूढ़ी बहन है, ये खानदान में सबसे बड़ी है। अरे छोटी कहां चली गई? बोले इस घर में देखो कैसी सुगंधी है, रोज घंटी बजती है, शंख बजता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, ब्राह्मण संतों का आदर, गाय की पूजा, मैं तो यहीं आ गई।
बड़ी बहन बोली तो फिर मैं भी इधर ही आ जाती हूँ। और लक्ष्मी की सबसे बड़ी बहन का नाम है समृद्धि, तो समृद्धि भी उस घर में आ गई। ये पूरी फैमिली किस घर में रहती है? जहां संतों का आदर हो, ब्राह्मण का सम्मान हो, दान दिया जाता हो, उदारता हो, जितना कमाते हैं उसका दशांश निकाल के रख देते हैं ये धर्म के काम के लिए। पुरुषोत्तम महीना है, पूरे परिवार, पूरे प्रियजन, पूरे परिजन, पूरे रिश्तेदार सबको लेके हरिद्वार जाएंगे और वहां इस बार राम कथा कराएंगे। सबके भोजन की व्यवस्था, सबके रहने की व्यवस्था, यही तो भविष्य का धर्म है। भारत का एक भी कोना ऐसा नहीं है जहां पर हमारे मारवाड़ी समाज के लोग नहीं हो। ये लक्ष्मी पुत्र हैं। आज से करीब 27-28 वर्ष पहले मैं भागवत कथा कर रहा था सिल्लीगुड़ी में, तो लोगों ने कहा ठाकुर जी थोड़ा घूमने चलेंगे, हमने कहा चलो। तो सिल्लीगुड़ी से आगे ऊपर पहाड़ पे है ना, क्या है मैं तो भूल गया नाम, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग लेके गए, सब घुमाया फिराया। बोले आज यहीं रुकेंगे महाराज, यहाँ एक ऐसी जगह है जहां रात के 3 बजे सूरज दिखाई देता है। अरे हमने कहा वहां तो जरूर रुकेंगे। हम लोग वहां गए, छोटा सा गांव, अब रात भर जगो तो 3 बजे सूरज नारायण दिखते हैं, इतनी ऊंचाई पर वो है। पर वो बादल बहुत रहते हैं, मौसम खराब रहता है तो दिखते तो कम ही है। अब हम लोग सब जगह खाते पीते हैं नहीं, पवित्रता का ध्यान रखते हैं, तो आप ध्यान देना इतनी बड़ी भयंकर ऊंचाई पर जहां 2-4 घर का भी गांव नहीं दिखता, वहां भी मुझे एक मारवाड़ी परिवार का घर मिल गया। बोलो जय श्री राम। वहां पल पल में वर्षा आती है, तो छाता क्या और पॉलिथीन और ये सब थैले और बहुत से सामान, एक दुकान थी, हमने की आप कौन? उन्होंने कहा मैं राजस्थान से आया हूं महाराज, हमारे दादाजी आए थे इधर, हमारी दुकान चलती है और हमारा जन्म भी इधर ही हुआ। बाप रे, मैं तो देख के दंग रह गया। ये लक्ष्मी पुत्र हैं, कहीं भी ये बास करेंगे तो 10 को खिला के खाएंगे, ये इनकी पद्धति है, ये इनका स्वभाव है। तो वैश्य परिवार में जन्म लेकर के कृपणता आना, धर्म रक्षा दान आदि में प्रवृत्ति का न होना, ऐसा वैश्य सोचनीय होता है। एक भगत जी तो बड़े धनवान थे लेकिन कंजूस बहुत थे, और सुनो वो कंजूस भी थे, मक्खी चूस भी थे। अब मक्खी चूस की बहुत बड़ी व्याख्या मैं इस मंच पर करूं ये जरूरी तो नहीं है, आप तो इतना ही समझ लो कि दूध में गिर गई मक्खी। भगत जी ने सोचा कि मक्खी को निकालकर यदि फेंकूंगा तो ज्यादा नहीं तो आधा मिलीग्राम, तो आधा मिलीग्राम दूध तो मक्खी के साथ में चला जाएगा। तो उन्होंने दूध में से मक्खी को निकालकर जो करके फेंका उसी को मक्खी चूस कहते हैं। इतना कंजूस, कभी घर में कोई मिठाई नहीं, कोई बढ़िया चीज बने नहीं, सोना बहुत है, चांदी बहुत है, तिजोरी खोल के देख लेते हैं फिर बंद कर देते हैं, हवा न लग जाए दुनिया की। कोई पर्व का समय आवे तो बच्चों को मामा के घर भेज दे, वहीं घोटो छानो बेटा। दीपावली का उत्सव था, बच्चों को मामा के घर भेज दिए। अब घर में अकेले सेठ जी और एक मनीम जी बस रह गए बेचारे, जाने क्या उनके मन में सूझी। आज मुनीम जी से बोले, मुनीम जी व्यापारी समाज का तो नया वर्ष शुरू होता है ना दीपावली के दूसरे दिन से, भाई खाते का पूजन,
बोले नव वर्ष का आरंभ है तो हमने भी सोचा जरा बढ़िया सी खीर बने, दूध पाक बने, केसर वेसर डाल के। मुनि जी ने कहा सूरज पश्चिम में कैसे निकल गया, ये कंजूस आदमी चार आलू भून करके उनको मसल कर नमक मिर्च डाल के सब्जी, यही चलेगी 12 महीना, इतना कंजूस आदमी और खीर बनाने की बोलता है। बोले हाँ मुनीम जी, हमने सोचा है कि हम ही लोग तो हैं, नया वर्ष आरंभ हो रहा है हमारे व्यापारी समाज का, चलो आज दूध पाक खीर बनाते हैं, पर मुझे पूरा लिख करके दो, कितना चावल, कितना चीनी, कितना दूध, कितना क्या क्या लगेगा। दो आदमियों की खीर बननी है, पूरा रजिस्टर खंगार दिया, सारी सामग्री आ गई। बोले खीर को बनाएंगे, रात को रखेंगे और एकदम खुले में ठंडी खीर पर सवेरे पाएंगे, ठीक है मालिक। मुनिम ने बड़े भाव से वो पतली खीर बनाई, काजू बाजू डाल के, बादाम वगैरह डाल के। सेठ जी ने मन में सोचा अपने बच्चों को तो मैं खिलाता नहीं, इसके लिए मैं खर्च क्यों करूं, भाई दूध मेरा, चावल मेरे, ड्राई फ्रूट मेरा, चीनी मेरी, तो मुनिम को खीर क्यों मिले, मुनिम खीर क्यों पिए। तो सेठ जी ने कहा देखो मुनिम जी, मेरा सिद्धांत तो आप जानते हैं, खीर बन गई, पूरा टोपिया भर के खीर बनी है, सुगंधी आ रही है केसर की। अब खीर हम लोग खुली रख के रख देते हैं, ऊपर से खाली थोड़ा ढक देंगे। अब ऐसा करते हैं कि रात्रि को तुम भी अपने कक्ष में सो जाओ, मैं भी जाके सो जाऊं, जो बढ़िया से बढ़िया सपना देखेगा वही पूरी खीर खाएगा। मुनिम ने कहा नहीं मालिक, आप ही सपना देखो, आप ही खीर खाओ, मेरा क्या मतलब है। वो नहीं, अन्याय मेरे यहां नहीं चलता। आज रात्रि को सोते समय जो बढ़िया ऊंचे से ऊंचा सपना देखे, सवेरे अपने अपने सपने की बात बताएंगे और जिसका सपना बढ़िया हो वो खीर पिएगा, ठीक है मालिक। अब मेरा सपना तो हल्का ही होगा, आप बड़े हैं, आपका सपना बड़ा होगा। बेचारे मुनीम ने सोचा इतने परिश्रम से खीर बनाई, जैसे तैसे तो गंगा आई, फिर भी अवगाहन कर नहीं पाए, उसको बेचारे को नींद कहां आवे, भूख लगी थी। रात के 12 बजे मुनीम उठा, सेठ जी तो खर्राटे भर के सो रहे थे, धीरे धीरे रसोई घर में गया, ठंडी खीर की टोपिया का ऊपर का ढक्कन हटाया, भूखा था बेचारा, पहले तो एक कटोरी पी, बड़ी स्वादिष्ट लगी खीर, तो फिर दूसरी पी, बड़ा मन लगा तो फिर तीसरी कटोरी पी, बहुत स्वाद आया तो फिर चौथी कटोरी पी ली। अब उन्होंने सोचा भूख लगी ही है, सुबेरे नौकरी तो छूटने ही वाली है, एक एक करके सारी कटोरियां पी गया और उसमें डाल के पानी टोपियां को धोकर पी के ढक के चला आया और आके अपने यहां सो गया। बोले बिस्तर मेरा तैयार और सुबेरे मुझे जाना है। प्रातः सेठ जी उठे, मुनिम जी। जी मालिक। अरे उठिए, आइए बैठिए। दोनों मंजन करने बैठ गए। सेठ जी बोले हां तो बताइए आपने सपना क्या देखा। मुनीम जी बोले मालिक मेरा क्या सपना अपना है, आपका ही सपना बढ़िया, आप ही खीर खाओ। मैं नहीं, मेरे अन्याय नहीं हो सकता, जिसने सपना बढ़िया देखा वही पूरी खीर पिएगा। क्या देखा बताओ। बोले मालिक तो पहले आप ही बताओ। बोले नहीं, पहले तुम बताओ। बोले नहीं, आप बताओ। सेठ जी बोले क्या बताएं मुनीम जी, मैं जैसे ही अपने पलंग पर सोया और जैसे ही मुझे गहरी नींद आई तो मैं देखता हूं कि आकाश से बड़ा सुंदर विमान उतर के आ रहा है, विमान में 4 पार्षद बैठे हैं, ऐसे सुंदर पीत वस्त्र, मणि माणिक की मालाएं पहने, वे आए आकर के मुझे जगाया, वत्स उठो। मैं उठ गया, मैंने कहा हाँ जी क्या आज्ञा है। बोले देवराज इंद्र ने तुम्हें बुलाया है। सेठ जी ने सोचा ऐसा ऊंचा सपना बताऊं कि उससे ऊंचा कुछ हो ही नहीं, खीर में ही पीऊं। देवराज इंद्र ने तुम्हें बुलाया है और उन्होंने देखा
कि दुनिया में तुमसे ज्यादा सुशील, तुमसे ज्यादा विनम्र पढ़ा लिखा कोई है नहीं। इसलिए देवराज ने तुम्हें बुलाया। मैंने पूछा क्यों बुलाया सब? बोले इसलिए बुलाया है कि अब वो वृद्ध हो गए इंद्र और वो तुमको राज्य गद्दी देना चाहते हैं, तीनों लोकों का सम्राट तुम्हें बनाना चाहते हैं, इसलिए बैठो। मेरी इच्छा तो नहीं थी मुनिम जी, लेकिन मुझको बैठना पड़ा। मैंने देखा आगे मृदंग बजती जा रही है, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं। देवराज इंद्र के पास में स्वर्ग में पहुंचा, गलीचे बिछे हैं, आहा, इत्र का छिड़काव हो रहा है। युवराज की जय हो, युवराज की जय हो। देवराज इंद्र मंच से खड़े हुए, मुझे उठा के गले से लगाया, अपनी बगल में बिठाया, बेदत ध्वनि हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने, विष्णु के सामने, भगवान शिव के सामने घोषणा कर दी, अब मैं वृद्ध हो चला हूं, इसलिए मैं त्रिलोकी का सम्राट, स्वर्ग का अधिपति इस बालक को बनाता हूं। सुभैया मुझे तिलक कर दिया, मुनीम जी मुझे हैं ऐसा सुंदर मुकुट पहनाया, हार पहनाया और जय जयकार होने लगी, जोर से फूल बरसने लगे, मैं त्रिलोकी का सम्राट बन गया। फिर बाद में मेरी आंख खुली, ये सपना था मेरा। तुमने क्या देखा? मुनिम जी ने मन में सोचा तू कितना ही विमान में उड़ ले, कितना ही स्वर्ग में पहुंच जाए, तुझे मिलने वाला तो कुछ है नहीं। बोलो जय श्री राम। मालिक क्या बताऊं, मेरा भी सपना हुआ था और मेरे सपने में कोई पीले कपड़े वाले, कोई चार भुजा वाले, कोई पार्षद नहीं आए। मेरे सपने में तो काले भूत आए दो। अच्छा, और ठीक 12 बजे मेरा सपना शुरू हुआ। मालिक दो भूत आए, जब वो हंसते थे तो खाली दांत दिखते थे, क्योंकि उनका चेहरा और रात्रि अंधियारी ये सब मिले जुले थे बिल्कुल। मैं तो सोया था गहरी नींद में, आकर के मुझ में एक डंडा दिया, मैं डर गया, मैं उठा, मुझसे बोले उठ। अरे मैंने कहा सब बात क्या है, आप ऐसे क्यों मारते हैं? बोले चल जल्दी। उनके डंडे के डर से मालिक मैं उठ गया, आगे आगे मैं चलने लगा। अरे कहां ले जा रहे हैं आप मुझे? तो रसोई के पास ले जा के बोले अंदर चल। मैंने कहा क्यों क्यों क्यों? बोले दारा द्वार खोल। मैं उनके डंडे के डर से मालिक अंदर चला गया। उन्होंने वो जो खीर का पात्र था, बोले इसको खोल। मैंने ऊपर से थाली हटाई, बोले पी। मेरे को नहीं 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 नहीं, अन्याय मैं बिल्कुल नहीं करूंगा और मालिक की खीर है, मैं एकदम नहीं पी सकता। उन्होंने मुझे डंडा दिखाया, मालिक मैंने एक कटोरी खीर पी। फिर उन्होंने मुझ में डंडा मारा, बोले दूसरी पी। मैंने फिर पी ली, फिर तीसरी, फिर चौथी। मालिक मैं उनके डंडे के दर से पीता गया और बाद में तो उन्होंने खीर के बर्तन में पानी डाल के कहा धो के पी। मैं उसको भी धो करके पी गया मालिक, टोपिया को उल्टा रख के आ गया। आकर के मैं अपने पलंग पर आराम से सो गया। मालिक उनके डर की वजह से मुझे, सेठ जी बोले तू सत्य कह रहा है, तू जो कह रहा है सत्य बात है। बोले मालिक मेरा सपना कभी कभी सत्य ही हो जाता है। अरे जब वो तुझे डंडा मार कर खीर पिला रहे थे तो तुझे इतना तो कहना चाहिए था कि सेठ जी की खीर बनी है, मैं उनसे पूछ के आता हूं, बिना उनके पूछे पीऊंगा नहीं। बोले मालिक मैं इतना नमक हराम नहीं हूं। उन्होंने मुझ में डंडा मारा और मुझसे कहा कि तू खीर को पी। मैंने कहा नहीं, मैं बिना बाबूजी के पूछे, बिना उनके पूछे मैं नहीं पी सकता। और मैं दौड़ करके आया, वो डंडा मारते रहे फिर भी मैं आया और आकर मैंने आपको जगाया, बाबूजी उठिए, सेठ जी उठिए। पर आप उठे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो स्वर्ग में देवराज इंद्र की गोद में बैठे थे, आपको तो महाराज गद्दी मिलनी थी, आप जगे ही नहीं, आप यहां थे ही नहीं। सेठ जी ने जाकर के अंदर देखा तो टोपिया तो उल्टी पड़ी थी, एक इंच भी उसमें खीर नहीं थी। कहने का तात्पर्य यह है, जियो और जीने दो, सुख में जियो और लोग भी सुखी होकर जिए, उनमें सहयोग करो। परमात्मा ने हमें बुद्धि ज्यादा दी है तो जो बुद्धि में कमजोर हैं उनकी सहायता करो। प्रभु ने हमें बल ज्यादा प्रदान किया है तो जिनमें बल का
बल्कि कमी दिखाई दे उन निर्बलों की तुम सहायता करो। गरीब को हमने 10 रुपए दे दिए, ये महानता नहीं है। गरीब को हमने भीख दे दी, ये महानता नहीं है। गरीब को उठाओ, उठाकर गले से लगाओ, बेटा तुम तो काम करने योग्य हो, हट्टा कुट्टा शरीर है, चलो मेरे संग। उसको लेकर के आइए, स्कूल कॉलेज में ले जाइए, बोले इसको पढ़ाइए, इसकी फीस का जो भी पैसा लगेगा हम प्रयास करेंगे पूरा देने का। उसको अपने पैरों पर खड़ा करो, उसे बुद्धिमान बनाओ, उसको विद्यावान बनाओ, ताकि वो बड़ो होकर के हृदय से तुम्हें शुभकामनाएं प्रदान करे। अपने पैरों पर खड़े होकर एक भारत का विशिष्टतम नागरिक बने। तो दीन पर दया कभी मत करो, दीन से प्रेम करो, दीन को अपने जैसा बनाने का प्रयास करो। गौ सेवा में, शिक्षा की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्रोत्थान में, संत सेवा में, सत्संग आदि में यदि प्रभु ने हमें दिया है तो जरूर इन कार्यों में सहयोग करे, दान करे। ऐसा वैश्य ही वंदनीय होता है, अन्यथा सोचनीय है। सोचिए बयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजान। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमान। ऐसा शूद्र सोचनीय होता है जो मुखर है, बड़ों का अनादर करता है, थोड़ा सा कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए तो अहंकार करता है। वैसे सच्चा ज्ञान होने पर कभी अभिमान नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं इनको ज्ञान का अभिमान है, रॉन्ग बोलते हैं। ज्ञान का अभिमान कभी होता ही नहीं, और अभिमान यदि है तो ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान जो है वो प्रकृति से परे है और अहंकार जो है वो प्रकृति जन्य है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने 8 प्रकार की प्रकृतियों के बारे में कहा है। और उस 8 प्रकृति में अभिमान जो है वह भी प्रकृति है। अष्ट प्रकृति है, पर ज्ञान जो है वो प्रकृति से परे है। ज्ञान परमात्मा स्वरूप है। लेकिन ज्ञान का अभिमान यदि हो रहा है तो ज्ञान है नहीं, क्यों? ज्ञान होने पर तो अभिमान टिकता नहीं है। अधजल गगरी छलकत जाए, भूमि रापो नलो वायु, खम मनो बुद्धि रे वच, अहंकारी तीयम मे भिन्ना प्रकृति रश्मधा। भगवान गीता में कहते हैं 8 प्रकार की प्रकृति है, भूमि पृथ्वी, आपह जल, अनल अग्नि, वायु हवा, खम आकाश, मन बुद्धि और अहंकार। तो ज्ञान का अहंकार कैसे हो सकते हैं? ज्ञान तो प्रकृति से परे, पर जहां अधकचड़ी बातें होती हैं वहां अहंकार आता है। मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी, जिसको शुष्क ज्ञान का गुमान हो जाए, बड़ों का जो अनादर करने लगे, ऐसा